आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वीडियो अश्लील भूत ऑफ बॉलीवुड बाय एडिक्टेड वन. फर्स्ट टाइम रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन एडिक्टेड. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन, आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल निखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. आए हाय, कोई इसकी थूत को देखकर कह देगा कि भोंसड़ी के भूत है. अबे कोई इस मूवी के मेकअप आर्टिस्ट को चप्पल का ऑस्कर दो. आखिर ये भूत है किसका, इंसान का या फिर भालू का? नहीं नहीं यार, जब ये जिंदा था तब ऐसे ही कांड के लिए गांव की सारे औरतों ने मिलकर इसके गांड पे इतने लात मारे थे, इतने लात मार दिया था कि इसके दिमाग ने भी सोची नहीं थी. और अब देखो मरने के बाद भी इसका हवस थोड़ी बहुत भी शांत नहीं हुआ. भोंसड़ी के आज भूत बनकर भी इसका मुन्ना भैया खड़ा होकर सीधे MBBS नहीं IC करता है. शर्म करो, शर्म. So hey guys, क्या हाल चाल? तो आज बॉलीवुड के हम उस हॉरर मूवीज के बारे में बात करेंगे जिनका स्टोरी हर एक मूवी में बिल्कुल सेम होता है. वही चार दोस्त जिसमें से दो हीरो दो हीरोइन अपना हॉलीडे एंजॉय करने के लिए गोवा कश्मीर के ओयो छोड़कर किसी एक पुरानी जंगल के अंदर खंडर में मौजूद पुरानी हवेली में जाते हैं. और जब उसी हवेली में एंट्री करने वाले होते हैं तभी एक 100 साल का बुड्ढा अपने हिलाने वाले हाथों में लाठी पकड़ कर और धोने वाले हाथों से एक लैंप पकड़ कर और बॉडी के ऊपर एक मोटी साल को ओढ़ कर कमर झुका कर ये कहता है, चले जाओ यहाँ से, बहुत खतरा है यहाँ पे, सारे मारे जाओगे. अरे भोंसड़ी के, अगर उस जगह पे इतना ही खतरा है तो इतने दिनों से क्या तुम यहाँ पे अपनी गांड मरवाने के लिए रुके हो? और उसी बुड्ढे वॉचमैन की बातों को लथारते हुए जब चार दोस्त घर के अंदर जाते हैं और ठीक रात 12 बजे अंधेरी जंगल से जब ये साउंड निकलता है और उसी साउंड के ऊपर रिएक्शन देते हुए एक लड़की दो तल्ले से स्टेयरकेस पकड़ कर हाथों में मोमबत्ती लेकर कुछ ये कह कह के नीचे उतरती है. नहीं नहीं, आज तक जब 12 बजे हमें सुसु लगता है और उसी टाइम सुसु करने के लिए जब बाथरूम का गेट ओपन करता हूँ तभी मोहल्ले के 4-5 कुत्ते भौंकने लगते हैं और कुत्तों की इस प्रकार का भौंकने का साउंड सुनकर सुसु वहीं पे निकल जाती है. नहीं यार, किताबों के अनुसार जो भूत प्रेत आत्मा होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंसान को मार कर खून पी लेते हैं या फिर छोटे बच्चे को चिकन लेग पीस समझ के निगल लेते हैं. लेकिन बॉलीवुड के हॉरर मूवी के हरामी भूत रात के अंधेरों में लड़कियों की साड़ियां उतार लेता है. नहीं नहीं, रातों का अंधेरा तो ठीक था, ये तो दिन दहाड़े सारे आम सूरज की रोशनी में अपनी हवस बुझा रहा है. और इसी लड़की का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर भूत के साथ फाइट करने आ गया. नहीं मतलब यार, भरी दोपहर में अपनी परछाई को देखकर मेरी गान पड़ जाती है. लेकिन इस मजनू को देखो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भूत से फाइट कर रहा है. अबे कोई इस मजनू को समझा कि अगर जिंदगी रहा ना तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगा. जरा रुको, तुम्हें ये बोना जोकर लग रहा होगा लेकिन ये बोना जोकर नहीं, रियल जिंदगी में भूत है, भूत. नहीं मतलब यार, मैंने अपनी होल जिंदगी में इस प्रकार का बोना चुतिया भूत कभी नहीं देखा ना. और अब तक तुमने जितने भी हवसी भूत देखे थे सब आंखों में दिख रहा था लेकिन ये भोंसड़ी के हवस का भूत आंखों में नहीं दिख रहा. जरा देखो. अपनी हवस को शांत करने के लिए सीधे बाथरूम के अंदर घुस गया, वो भी किसी के आंखों में ना आते हुए. और अब क्या था, इसने बाथरूम में सब कुछ देख लिया और इसके मन के अंदर लेने का तमन्ना जाग उठा. और उसके बाद ही हवसी भूत हॉल में आता है, दिन दहाड़े सबके सामने ले लेता है.
नहीं मतलब यार इस प्रकार का हबस भूत को अगर यहीं तक रोका गया तो फिर कुछ दिनों के अंदर न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में ऐसे हेडलाइन सब जाएंगे कि इंसान ने बढ़ाया था मदद का हैंड लेकिन भूत ने ले ली जबरदस्ती गेंद। नहीं मतलब यार बॉलीवुड के मुताबिक सारे मर्द मरने के बाद भालू के जैसा भूत बनता है और ऐसा वैसा भूत नहीं सीधे हबसी वाला भूत। और हमारे देश में इसी भूत प्रेतों को भगाने के लिए हम लोग तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। तो आओ यार तांत्रिक बाबा कैसे भूत भगाते हैं आज हम भी देख लेते हैं। भूत निकाला जा रहा है, ठीक है मैं देखती हूँ, चल सोनू। जय काली माँ, जय काली माँ, बाबा भैरवनाथ इलाज करेंगे। भूत निकाला जा रहा है। अबे ऐसे भूत भगता है क्या? नहीं मतलब यार इतिहास गवाह है कि तंत्र मंत्र के आर पर भूत भगाने के नाम पर ये जो अपनी हबस को बुझाया जा रहा है ये आज की नहीं है क्योंकि इसी बकचोदी के लिए एक इंसान आज भी जेल में चक्की पीस रहा है। हाय हाय नहीं मतलब यार तंबाकू गुटखा खैनी खाकर जो इंसान मर जाते हैं वो इंसान जब भूत बनता है तब उनका शक्ल कुछ ऐसा ही होता है। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, लाइक का हम रखते हैं 1000 और फॉरवर्ड कर। ए बाबा फॉरवर्ड कर, ऐसे आवाज से लगता है मौत मिलेगी मौत। ए फॉरवर्ड कर, फॉरवर्ड कर नहीं तो मौत मिलेगी। अरे कर दो मेरा भी फॉरवर्ड शेयर नहीं तो मौत मिलेगी, फॉरवर्ड कर। कैसे कैसे भूत है यहाँ पे माँ, कोई बैकग्राउंड आवाज आ रही है। ओके सबसे पहले वो जो रीसेंट वाला था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था मुझे लगता है, वो थोड़ा क्लैरिटी वाइज डेंजर था, वो भूत आता है फिर वो बाथरूम में घुसता है फिर वो बाहर आता है एंड ऑल दैट। माय गॉड इट वाज डेंजरस, इट वाज खतरनाक देवा ऐसे भूत। और बाकी के तो भूत नहीं सॉरी वो आदि मानव क्या बोलते हैं उसको, जो हिम मानव कुछ तो बोलते हैं ऐसे शब्द है उसके लिए, तो वो वाले लगे मुझे, वो तो मुझे आदि मानव टाइप का लगा, भूत भूत नहीं लग रहा था। गुटका वाला भूत भी तो ऐसे लग रहा था दांत पूरा ऐसे करके। बाय गॉड एंड में थोड़ा सा डर लगा, फॉरवर्ड कर नहीं तो मत मिलेगी। गाइस मेरा वाला भी शेयर करो बाप कसम, ऐसे चलो पुराने वाले मूवीज थे और तब वो इफेक्ट्स वगैरह, बट वो छोटू भूत तो सबसे ज्यादा डे वो कर भी क्या रहा था, गुदगुली कर रहा था। भूत कितने अजीब गरीब शौक है, वो गुदगुली कर रहा था जब बाहर आया, तू है छोटा सा भूत ऐसे ऐसे चल के आया। मेरे को तो भूतों को बहुत डर लगता है, हॉरर मूवीज वगैरह मैं मोस्टली देखती ही रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। तो उसमें जो एंड वाला जो साउंड इफेक्ट था उसका डर लग रहा था, वो जो सुन के देखो फॉरवर्ड कर आ देखो शिट मुझे डर लग रहा है और लिटरली डर लग रहा था माँ कसम। आई एंजॉयड इट यार, मैं फर्स्ट टाइम रिएक्ट कर रही हूँ, मुझे पसंद आया, कुछ और टॉपिक मिला अलग सा सजेस्ट हुआ मेरे पेज पे, सोचा चलो कर लेती हूँ। तो अश्लील भूत ऑफ बॉलीवुड बाय एडिक्टेड वन, आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, कौन सा भूत सबसे ज्यादा डेंजर लगा आपको। वो डे लाइट वाला भूत भी खतरनाक था यार, कुछ भी बोलो, दिन में ऐसा कोई आप बॉयफ्रेंड बचाते भी आया बाग कसम, तो इट वॉज खतरनाक। आपको कौन सा खतरनाक लगा मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। मैं आती हूँ रोज वीडियोस के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी परत नहीं।